गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट्स मैथ्स। मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर लिखना तो सभी बच्चों को आता है, जैसे आई, आई बराबर होता है 1, 2i इसको हम लिखते हैं 2, 3i ये लिखते हैं हम 3, iv ये लिखते हैं हम 4, उसके बाद v ये होता है हमारा 5, vi 6, वी डबल आई ये होता है 7, वी ट्रिपल आई ये लिखते हैं हम 8, और आई एक्स ये होता है हमारा 9, और एक्स ये होता है हमारा 10। इसी तरीके से एक्स आई ये हो गया हमारा 11, एक्स डबल आई ये हो गया हमारा 12, एक्स ट्रिपल आई ये हो गया हमारा 13, एक्स आई वी ये हो गया हमारा 14, एक्स वी ये हो गया हमारा 15, एक्स वी आई ये हो गया हमारा 16, और एक्स वी डबल आई 17, एक्स वी ट्रिपल आई इसको लिखते हैं हम 18, और एक्स आई एक्स ये हो गया हमारा 19, और एक्स एक्स ये होता है हमारा 20। तो ये रोमन नंबर्स तो सबको पता ही होगा, सब लिखना जानते होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी रोमन प्रतीक। वो सात रोमन प्रतीक होते हैं जिनसे हम जितने चाहें रोमन नंबर बना सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, उनसे घटा भी सकते हैं, और जोड़कर घटाकर हम और अधिक रोमन नंबर बना सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं सात रोमन प्रतीक? वो ये होते हैं आई वी आई वी एक्स एल सी डी और एम। ये हमारे 7 सिंबल हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। अब इसमें क्या होता है, आई बराबर तो सबको पता ही है 1, वी बराबर 5, एक्स बराबर 10, एल बराबर 50 लिखते हैं, सी को हम 100 लिखते हैं, डी को 500 लिखते हैं, और एम को 1000 लिखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सात सिंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई वी एक्स एल सी डी एम। अब इसमें क्या होता है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है कि आई एक्स सी और एम इन चार रोमन नंबर्स को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते इस नियम के अनुसार। जैसे आई बराबर 1, 2i बराबर 2, 3i बराबर 3, 3 बार हो गया ये i बराबर 1, 2i बराबर 2, 3i बराबर 3। अब आप सोचो कि i यानी 4i को हम 4 लिख दें, तो ऐसा नहीं लिखते हैं, 4 को हम क्या लिखते हैं, आई वी लिखते हैं। ये और इससे बाद में जो नियम बताऊंगी उसमें ये आपको घटाकर बताऊंगी कैसे 4 बनता है। फिलहाल 4 हम इसको हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं आई को। इसी तरीके से होता है हमारा एक्स, एक्स बराबर 10, 2x बराबर कितना हो गया 20, और 3x बराबर हो गया हमारा 30। इसी तरीके से सी, सी बराबर होता है हमारा 100, दो बार सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200, और इसी तरीके से हम 3 बार सी लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 300। इसी तरीके से एम, एम बराबर होता है हमारा 1000, दो बार एम लिखेंगे वो 2000 हो जाएगा, 3 बार एम लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा 3000। कहने का मतलब ये है नियम नंबर 1 में आई एक्स सी और एम को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, 3 बार से ज़्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते इस नियम के अनुसार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा, नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि किसी प्रतीक यानी कोई प्रतीक है और उसके बाईं ओर कोई उससे छोटा प्रतीक लिखा है तो क्या करते हैं, उसको बड़े प्रतीक में छोटा प्रतीक जोड़कर हम रोमन नंबर्स बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रतीक है वी आई, तो वी बराबर कितना होता है हमारा 5, और i बराबर होता है 1, तो 5 प्लस 1 ये हो गया हमारा 6। ये देखो vi बराबर क्या होता है 6। इसी तरीके से
लिख लो एक्स आई, एक्स बराबर 10 होता है और आई बराबर होता है 1, तो ये क्या हो गया हमारा 11। इसी तरीके से लिख लो एल एक्स, एल और एक्स, एल बराबर कितना होता है हमारा 50 और एक्स बराबर होता है हमारा 10, तो कितना हो गया ये 60 हो गया। इसी तरीके से लिख लो एल एक्स और इसी तरीके से लिख लो एक्स, ओ सॉरी एल सी लिख लो या एल आई लिख लो, तो एल बराबर कितना हो गया 50 और आई बराबर कितना होता है 1, ये हो गया हमारा 51। सही है, एल एक्स बराबर 50 और एक्स बराबर 10 60, एल बराबर 50 आई बराबर 1, ये हो गया हमारा 51। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि किसी प्रतीक के दाईं ओर कोई छोटा प्रतीक लिखा होता है तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाकर हम रोमन नंबर्स बना लेते हैं। बड़े प्रतीक में से छोटा प्रतीक घटाकर हम रोमन नंबर्स बन, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि बड़े प्रतीक में से छोटे प्रतीक को घटाकर हम रोमन नंबर्स बना लेते हैं, जैसे आई वी, जैसे आई वी, तो वी बराबर कितना होता है हमारा 5 और आई कितना होता है 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 4। ये देखो 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं, ना कि हम 3i बनाकर 4, 4i बनाकर 4 लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, नियम नंबर 3 से बनता है आई वी, 5 माइनस 1 बराबर 4। और एक्स सी, एक्स बराबर कितना होता है हमारा 10, सी बराबर 100, तो 100 माइनस 10 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 90, 90 को कैसे लिखते हैं एक्स सी। इसी तरीके से आई एक्स, एक्स बराबर 10 और आई बराबर 1, ये हो गया हमारा 9। और एक्स एल, एल बराबर 50 और एक्स बराबर 10, तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3, तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3, 50 माइनस 10 बराबर 40। उसके बाद आता है नियम नंबर 4, इसमें क्या होता है, V, L और D ये कभी भी पहले लिखकर नहीं घटाए जाते, V, L, D कभी भी पहले लिखकर नहीं घटाते हैं, जैसे जैसे ये हमारा 45 है तो इसको बी एल लिख दो, बी एल लिख सकते हैं लेकिन ना बी में से हम एल को नहीं घटा सकते और L में से भी हम, ये V छोटा है L बड़ा है, L में से V घटाएंगे लेकिन L को पहले लिखकर हम नहीं घटा सकते नियम नंबर 4 के अनुसार, तो ये गलत तरीका है, इसको हम BL नहीं लिख सकते, 45 को BL नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे 45 को, XLV, क्योंकि LX, XL, L कितना होता है 50, X हो गया हमारा 10, ये कितना हो गया हमारा 40 और V कितना होता है 5, तो ये हो गया 45। इसी तरीके से 495, इसको इसको सोचो, आप सोचो कि बी डी लिख दो, डी में से तो हम बी को नहीं घटा सकते, डी हो गया हमारा कितना 500 और बी हो गया 5, तो 500 में से 5 घटाएंगे 495 बन जाएगा, लेकिन ऐसे इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे सी डी, डी में से कितना गया सी बराबर, डी बराबर कितना होता है हमारा 500 और सी बराबर कितना होता है हमारा 100, 500 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 400, ठीक है, सी डी हो गया हमारा 400, एल होता है हमारा 50, तो ये हो गया हमारा 450, यहाँ तक कितना बन गया हमारा 450। और एक्स एल वी मैंने क्या बताया 45, इसमें 45 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 495, तो हम इसको ये लिखेंगे ना कि ये लिखेंगे। तो मैंने इसके चारों नियम आपको बताए, ये समझ में आए होंगे आपको, इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है।